अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के चार दिन बाद रखा जाता है, इसलिए 5 नवंबर को माताएं यहां व्रत करेंगी और तारों का उदय होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत तोड़ेंगी। दीपावली की पूजा से 8 दिन पहले यह व्रत उत्तर भारत की महिलाएं सबसे ज्यादा करती हैं। इस दिन बच्चों की इच्छा सहित सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला उपवास करती हैं। आइए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन महिलाओं को कौन से कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है, ये भी सुन लीजिए। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी का प्रारंभ 4 नवंबर को आधी रात के बाद 12:59 पर होगा, यानी कि 5 नवंबर की तिथि का आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 5 नवंबर को आधी रात के बाद 3:18 पर होगा। इस तरह उदया तिथि के नियमों के अनुसार महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को मिलेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से 6:52 तक रहेगा। उसके बाद दिन महिलाएं शाम को तारों को अर्घ देकर ही व्रत को तोड़ पाएंगी। अहोई अष्टमी पर बने हैं ये शुभ योग, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अहोई अष्टमी पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनके बच्चे सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु भी होते हैं। बच्चों को जो सभी इच्छाएं होती हैं वो अहोई माता पूर्ण करती हैं और उन्हें एक सफल करियर की प्राप्ति भी करवाती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है, इसको सुने बिना वीडियो का फायदा नहीं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर लें, उसके बाद पूजा घर को गंगा जल छिड़काव कर उसको पवित्र करें, फिर शुभ दिशा देकर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें और यदि चित्र नहीं बना सकते तो बाजार से चित्र लाकर दीवार पर लगा दें। उसके बाद शाम को अहोई माता की पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं, फिर व्रत कथा पढ़ें और फिर तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें, फिर तारों को अर्घ देकर इनके बाद व्रत का प्रारंभ करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक भी जलाना चाहिए। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाएं भूलकर भी ये काम तो ना करें, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ ना दें। अर्घ देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का ही प्रयोग करें। दूसरी चीज, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। तीसरी चीज, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगला है कि अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। और सुनिए, अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को भूलकर भी मिट्टी को नहीं छूना चाहिए। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है, ऐसा करने से बच्चों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगला है और बहुत इंपॉर्टेंट, अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन किसी वीडियो को आखिरी तक देखकर लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए सभी लोगों के साथ, ताकि उनका भी आप कुछ भला कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।